हेलो डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस जैसा कि आप सभी को पता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग के हमारे ये जो हमारा थर्ड सेशन है और इसके अंदर हम यहां पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग पर सबसे पहला जो हमारा यूनिट नंबर वन है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उसको हमने स्टार्ट किया था और एस्टिमेशन क्या होता है उसका नीड क्या है नेसेसिटी क्या है

अब ऐसे कुछ वर्क हैं फिफ्टीन टू सिक्स जिनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आते ही आते हैं और उनके बारे में उससे संबंधित कुछ और भी डिटेलिंग जानकारी पूछी जा सकती है और अगर मैं उनकी डिटेलिंग आपको तो आपको बताऊंगा तो उनका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी याद रखना आसान होगा तो इसलिए आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कुछ ऐसे वर्क हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आते ही आते हैं उनकी अदर डिटेलिंग और उनका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्यों ऐसा है उसके बारे में यहां जानेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टारगेट सीरीज यहां पर चल रही है जिसके अंदर हम एस प्रिपरेशन करेंगे इसमें रेलवे इंजीनियरिंग विजय सर ले रहे हैं 630 पर 12 पर मैं कॉस्टिंग साथ में जो सर्वे है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और विजय सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फोर पी पर और मैं फ्लूड मैकेनिक्स फाइव थर्टी पी पर ले रहा हूं तो सोम सर्वे एफ अभी चल रहा है सोम सर्वे कंप्लीट हो चुका है एफ और एनवायरमेंट चल रहा है साथ में क्यूएससी और रेलवे क्लियर तो टोटल ये हमारे पास सिक्स सब्जेक्ट्स हैं ये जो है जो दो हो चुके हैं और चार अभी चल रहे हैं अब अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इन सेशंस के अंदर तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पोस्ट करें सैटरडे के दिन हम लोग लाइव जुड़ेंगे जिसके अंदर हम आपके डाउट्स को वहां पे सॉल्व करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन जितना हमने सिक्स फाइव डेज में पढ़ा है उसको हम डिस्कस करेंगे और इस संडे के दिन हम डी जेई का पेपर कंप्लीट टेक्निकल पार्ट एनालिसिस करेंगे संडे के दिन मैराथन सेशन में तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जितने भी वर्क हम पढ़ने वाले हैं वो वर्क कौन कौन से हैं उनके बारे में हल्का सा मैं आइडिया बता दूं दिस इज जैसा आपको दिख रहा है प्लान है ये किसका प्लान है देखिए जो भी हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें तीन ड्राइंग्स होती है जिनकी जरूरत पड़ती है जिसके बेसिस पे हम मेजरमेंट करते हैं एक होता है प्लान दूसरा होता है सेक्शनल एलिवेशन और तीसरा होता है एलिवेशन एलिवेशन जो होता है उससे हमें आइडिया लगता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी और जो उसमें फ्रंट पोर्शन में जो बालकनी वगैरह प्रोजेक्शन देने वो क्या है और साथ में आइडिया लगता है ऑर्नामेंटल या जो कुछ स्पेसिफिक वर्क एस्थेटिक वर्क किया जा सकता है बिल्डिंग के फ्रंट में वो आइडिया लगता है जो लेंथ और विथ है उसका आइडिया हमें लगता है प्लान से तो ये हमारे पास एक प्लान है दिस इज दी इनर विथ एंड इनर लेंथ एंड दिस इज दी आउटर विथ एंड आउटर लेंथ एंड आउटर विथ ऑफ द प्लॉट लेट सपोज प्लॉट एक पूरा प्लॉट है उस पर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है और ये उसके आउटर एंड इनर डायमेंशन है अब अगर यहां पर मैं कट कर रहा हूं ये हमारे पास मान लीजिए सपोज दिस इज आवर वॉल ये हमारी वॉल है तो अब मुझे ये देखना है ऐसा पूरा एलिमेंट देखना है कौन कौन से नीचे तक तो क्या क्या चीजें अवेलेबल है तो मैंने यहां से इसका सेक्शन कट करा और जो क्रॉस सेक्शन कट करूंगा उसका जो डायग्राम होगा वो सेक्शनल या सेक्शनल एलिवेशन कहलाता है अब अगर सेक्शनल एलिवेशन देखें तो सबसे नीचे एक वर्क आता है सॉलिंग वर्क ये कभी करते हैं कभी नहीं करते ये क्या होता है दो मिनट बाद डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला एक वर्क हो गया फ्रॉम ग्राउंड जमीन में आपका जो ग्राउंड लेवल है बिल्डिंग का अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो इस डायग्राम में तो ग्राउंड लेवल बिल्डिंग का ये रहा ये है ग्राउंड लेवल आपका जहां भी आपका प्लॉट होगा उसके बाद इतना हमने यहां पर इसमें गड्ढा किया है क्लियर तो हमारा जो इतना पोर्शन है ये इसके अंदर दिस इज ये इतना यहां पर गड्ढा किया गया है मतलब आप ये मत समझना कि ये ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल ये है अब इतना पहले पे गड्ढा किया जाएगा क्यों गड्ढा करेंगे फाउंडेशन के लिए तो सबसे पहला वर्क क्या गया वर्क इन एस्केवेशन फाउंडेशन नींव डालने के लिए पहले मिट्टी का खुदाई कार्य करना पड़ेगा फिर अब क्या करेंगे एक सॉलिंग वर्क होता है वो करेंगे फिर जो अगला वर्क आपको दिख रहा है ये सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क है फाउंडेशन में सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क कर रहे हैं सीसी -सी वर्क फाउंडेशन के अंदर फिर इसके बाद आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है ये हमारा इतना जो पोर्शन है ये है ब्रिक वर्क इन फुटिंग ये मैसनरी वर्क है चिनाई कार्य फुटिंग के अंदर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फुटिंग इसको हम बोलते हैं सेकंड फुटिंग और इसको हम बोलते हैं थर्ड फुटिंग फुटिंग हम सिर्फ कहां तक बोलेंगे जहां तक हमारा ग्राउंड लेवल है उसके बाद हम फुटिंग नहीं बोलेंगे भले अगर ग्राउंड तो लेवल के ऊपर जितना हम मकान को उठाते हैं वो प्लिंथ कहलाता है क्या कहलाता है प्लिंथ तो वो प्लिंथ हो गया ये जो इतना पूरा है ये पूरा ब्रिक वर्क है इसको कलेक्टिवली बोलेंगे सब स्ट्रक्चर प्लिंथ जरूरी नहीं कि हर मकान में दिया जाए ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन प्लिंथ की जो हाइट है जितना हम ग्राउंड लेवल से उठाएंगे ये कम से कम पंद्रह सेंटीमीटर होता है और अधिक से अधिक सिक्सटी सेंटीमीटर होता है और ये प्रोवाइड करते नहीं भी करते जनरल पर्पज है कि आपका जो बारिश का पानी सीधे घर में ना आ जाए तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से मकान को उठा के रखते हैं तो ये प्लिंथ हो गया जिसको हम हिंदी में कुर्सी भी बोलते हैं तो प्लिंथ प्लस फुटिंग ये तीन फुटिंग है स्टेप्ड फुटिंग इनको मिलाकर सब स्ट्रक्चर कहलाता है जहां प्लिंथ खत्म होगा वो प्लिंथ लेवल होगा जैसे ये ग्राउंड लेवल हो गया फिर उसके ऊपर प्लिंथ खत्म हुआ तो प्लिंथ लेवल आ गया प्लिंथ लेवल के ऊपर डीपीसी दिया जाता है डीपीसी क्यों करते हैं ये जो यहां पर आप जानते हैं ये पूरी मिट्टी है आसपास तो मिट्टी में पानी होगा ग्राउंड वाटर तो वो इन ब्रिक्स में ब्रिक्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो जो पानी है वो ब्रिक्स में से यहां से ऊपर चढ़ जाएगा और अगर हमने एक इम मेंबर प्रोवाइड नहीं करा जो वाटर के मूवमेंट को कट ऑफ कर दे रोक दें तो वो यहां भी चढ़ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर की ब्रिक्स में और उससे क्या होगा कि वो जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है उसके दीवारों में अनहाइजीनिक कंडीशन नमी डेवलप हो जाएगी पेंट खराब हो जाएगा प्लास्टर खराब हो जाएगा और सुपर स्ट्रक्चर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम क्या करेंगे जैसे ही प्लिंथ लेवल हमारा खत्म होता है प्लिंथ खत्म होती है वहां पर एक डीपीसी प्रोवाइड करेंगे डीपीसी को बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स डैम मतलब गीला या नमी प्रूफ मतलब रोकना कोर्स का मतलब लेयर तो एक ऐसी लेयर जो वाटर के मूवमेंट को कट ऑफ कर देगी जो कि सीमेंट कॉन्क्रीट या मोटर किसी की भी बनाई जा सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो एक डीपीसी आएगा और डीपीसी के बाद अब उसके करस्पॉन्डिंग लेवल पे हमारी जो बिल्डिंग होगी ये बिल्डिंग का बाहर साइड है ये बिल्डिंग का इनर साइड है तो यहां पर इनर साइड के अंदर यहां पर हमारी टाइल्स होगी तो जहां पर हमारी टाइल्स होती है ग्राउंड फ्लोर पर टाइल्स वो फ्लोर लेवल कहलाता है तो जो फ्लोर लेवल है वहां टाइल्स होगी क्लियर है यहां तक और इसके ऊपर का जितना आपको दिख रहा है ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर है तो यानी एक तो सबसे पहला वर्क क्या हो गया हमारा ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है पहले इतना हमें गड्ढा करना पड़ेगा राइट और रॉन्ग तो पहला वर्क तो हो गया अर्थ वर्क इन एस्केवेशन अब जब हम ये इतना बना देंगे तो बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन आपको ब्लैंक दिख रहा होगा ब्लैंक दिख रहा है इतना पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन तो यहां मिट्टी भरनी पड़ेगी तो अब जब इसको बनने के बाद जब ये रिमेनिंग स्पेस में मिट्टी भरेंगे उसको बोलते हैं अर्थवर्क इन फिलिंग मतलब दूसरा हो गया अर्थवर्क इन फिलिंग तीसरा सॉलिंग वर्क चौथा सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन बता दिया अभी अगला ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर प्लिन प्लस फुटिंग दोनों को मिलाकर फिर उसके बाद डीपीसी वर्क फिर उसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर अच्छा एक और चीज आएगी अब हमने ये जो इतना पोर्शन होगा यहां में तो हम मिट्टी भर देंगे बोलो हा या ना इतना तो हमने मिट्टी भर दिया अब यहां तो ये यह मकान का आउटर साइड है तो यहां तो दिक्कत नहीं है बट अब ये वाला पोर्शन देखो इधर वाला यहां पे जब आप इस वाले पोर्शन को देखना इस वाले पोर्शन में जहां पे आपने प्लिंथ उठाया मकान थोड़ा सा उठाया तो ऐसे चारों तरफ ये 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 जो 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 हमने क्रॉस सेक्शन देखा है ये कहां होगा पूरे वॉल पूरे वॉल साइड में होगा तो जितना मान लो ये प्लिंथ उठेगा मान लो ये प्लिंथ उठा हमारा पंद्रह सेंटीमीटर तो ग्राउंड लेवल से ग्राउंड से पंद्रह सेंटीमीटर ये प्लिंथ ऐसा हर जगह से चारों तरफ से उठ जाएगा अब हमारा जो ग्राउंड का लेवल है जो फ्लोर लेवल है जो मकान का टाइल्स जहां लगेगी वो तो फ्लोर लेवल पे लगेगी तो टाइल्स लगाने के लिए पहले यहां पर ये जो पोर्शन है इतना इतना पोर्शन यहां पर हमें मटेरियल भी तो डालना पड़ेगा तो पहले क्या करते हैं जब मकान बनाया जाता है और प्लिंथ उड़ जाता है तो वो प्लिंथ के बीच में जो इम जो पोर्शन बनेगा आप इमेजिन करो क्यूबॉइड पोर्शन जो बनेगा वो उसमें पहले हमें मलबा भरना पड़ेगा या तो हम मलबा भर दें या हम मिट्टी भर दें या हम डिसमेंटल्ड मटेरियल भर दें या जो ब्रिक्स होती है उनका जो बोल सकते हैं ओवरबर्न जो ब्रिक्स होती है उनका चूरा होता है उसको हम बोलते हैं सुरखी क्रश्ड ब्रिक्स ईटों का चूरा तो सुरखी या डिसमेंटल्ड मटेरियल या मिट्टी हम उसमें भर देंगे और उसको अच्छा पानी डाल के रैम करेंगे ठीक है टेम्परिंग देंगे उसमें और जब अच्छा वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम हमारा ग्राउंड और फिर उसके बाद हम उसमें सीमेंट कॉन्क्रीट डालेंगे और कॉन्क्रीट डालने के बाद फिर उसमें हम प्लास्टर करके फिर टाइल्स देंगे तो ऐसे करते करते इतने में हम मिट्टी भरेंगे और फिर बाकी में प्लास्टर और टाइल्स लगेगी तो हम फ्लोर लेवल तक पहुंचेंगे तो वो पूरे में करना है इस वर्क को बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग क्या बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग जो प्लिंथ उड़ जाती है उसको फिर भराई करना और प्लिं फिलिंग के बाद जो मैंने आपको बोला कि हम सीमेंट कॉन्क्रीट करेंगे फिर प्लास्टर करेंगे फिर टाइल्स लगेगी वो ग्राउंड फ्लोरिंग में आएगा उसको बोलते हैं फ्लोरिंग वर्क तो कौन कौन से वर्क अभी हमने समझे ऐसे तो बहुत सारे वर्क हैं पर धीरे धीरे समझेंगे तो सबसे पहले तो हमें गड्ढा करना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए फिर सॉलिंग फिर सीसी -सी वर्क इन फाउंडेशन फिर ब्रिक वर्क इन फुटिंग प्लस प्लिन जिसको बोलते हैं ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर फिर डीपीसी फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर फिर अर्थ वर्क इन फिलिंग और फिर प्लिंथ फिलिंग प्लिंथ फिलिंग के बाद फिर हम फ्लोरिंग करेंगे फिर रूफिंग होगा फिर प्लास्टर करेंगे फिर बहुत सारी चीज करेंगे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे एक साथ सब नहीं पढ़ सकते अभी जितना समझा उसको स्टार्ट करते हैं चलिए तो सबसे पहला हमारा जो वर्क हम समझने जा रहे हैं यहां पर हमारा फर्स्ट वर्क है बच्चों ब्रिक वर्क सॉरी अर्थ वर्क इन एस्केवेशन एंड अर्थ वर्क इन फिलिंग सबसे पहली बात इसको हम हिंदी में बोलते हैं मृदा का खुदाई कार्य तो मिट्टी का जो खुदाई कार्य है ठीक है फाउंडेशन के लिए जो भी हम कर रहे हैं और जो अर्थवर्क इन फीलिंग है इन दोनों को अलग अलग मेजर करना है एक साथ नहीं करना दूसरा बात अर्थवर्क इन फीलिंग जो वापस से मिट्टी भरने के लिए हमें उसका वॉल्यूम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्थवर्क इन फीलिंग वो हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो छोटे प्रोजेक्ट में हम अर्थवर्क इन फिलिंग कैलकुलेट नहीं करते सिर्फ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन करते हैं तात्पर्य अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फिलिंग अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन सभी प्रोजेक्ट में मेजर करेंगे बट अर्थवर्क इन फिलिंग तभी मेजर करेंगे जब प्रोजेक्ट बड़ा हो और वो भी अलग से करेंगे दोनों एक साथ नहीं लिया जाता है बोथ आर मेजर्ड सेपरेटली मतलब सर कहना क्या चाहते हो मतलब ये कि जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिखते हैं आपने पढ़ा होगा आपके बीटेक के दौरान या डिप्लोमा के दौरान जब हम सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लेते हैं तो वहां टेबल में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिखते हैं उसमें एक आएगा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और दूसरा आएगा अर्थवर्क इन फिलिंग दोनों एक साथ नहीं आएगा क्लियर चलो अब ये ध्यान रखना जो मिट्टी का खुदाई कार्य भराई कार्य ये आपको डीप वर्क लग रहा है बल्की वर्क लग रहा है वॉल्यूमिनस वर्क है या लीनियर वर्क लग रहा है या शेलो वर्क लग रहा है या सरफेस वर्क है बात बल्कि बहुत सारी मिट्टी निकलेगी तो यह बल्कि वर्क है गहरा होगा 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 लंबा भी होगा, भी गड्ढा गड्ढा चौड़ा और गहरा भी होगा और तीनों डायमेंशन फिक्स्ड है क्या क्या हर घर में जो फाउंडेशन डलेगा क्या सबका डायमेंशन फिक्सड होगा हर जगह हर बिल्डिंग में लंबाई चौड़ाई डेप सब कुछ नहीं इसलिए किसमें नापा जाएगा क्यूबिक मीटर में पहला बात अगला वो भी बोत आर मेजर्ड से अलग अलग ये इसमें ध्यान रखना है तीन बात समझ में आ गई चलो बाकी इसके बारे में और भी चीजें हैं वो मैं आपको जो हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट है उसमें आपसे डिस्कस करूंगा इस बारे में चलो अभी हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में दूसरा वर्क सोलिंग वर्क अब आपको समझ में आया जब हमने गड्ढा कर दिया तो गड्ढा करने के बाद एक सॉलिंग वर्क मैंने दिखाया था ये क्या होता है जैसे आपको दिख रहा है यहां पर फाउंडेशन के अंदर ईटे रखी हैं पहले वरना पहले क्या चाहिए फाउंडेशन देखो सॉलिंग वर्क हर बार नहीं करते सॉलिंग वर्क तभी करते हैं जब हम जब फाउंडेशन देने जा रहे हैं और वहां नीचे की मिट्टी बहुत कमजोर हो तब ही सॉल्विंग वर्क दिया जाता है सॉलिंग वर्क जाना बचाना सा वर्ड अगर आप सोचो आपने अभी पैरों में जूते पहने होंगे कभी ना कभी स्पोर्ट्स शूज 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 या नॉर्मल के अंदर एक चीज होती है आपने नाम सुना होगा और मैं आप कि सर उनका सोल बहुत अच्छा होता है। exactly, आपके जूते में जो सोल है वो क्या कर रहा है आपके वेट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सॉइल पर रिएक्शन नहीं कम आ रही कंफर्ट मिल रहा है जितना सॉल अच्छा उतना आपके पैरों को कंफर्ट ज्यादा ऐसे ही हमारे बिल्डिंग का पैर हो गया फाउंडेशन जमीन हो गई सॉइल और सोल हो गया सोलिंग वर्क हम ऐसे ही ब्रिक के अंदर भी अगर मिट्टी कमजोर है तब हर बार नहीं ये हर बार नहीं करते हैं नॉट ऑलवेज ये तभी करते हैं जब साइट पर जहां फाउंडेशन डल रहा है वहां मिट्टी कमजोर हो मिट्टी अच्छी तो ये नहीं देंगे फिर सीधे फाउंडेशन होगा सीमेंट कॉन्क्रीट का इसमें अगला सर करना कैसे है इसमें जो भी पूरा गड्ढा है जितना भी लंबा है चौड़ा है जितनी भी हाइट तक पूरी हाइट तक नहीं जितना गड्ढा हाइट तक करा उसमें तो ब्रिक वर्क भी आएगा फुटिंग का सेमॉन कॉन्क्रीट वर्क भी आएगा फाउंडेशन का कुछ लेयर दो या तीन लेयर ड्राई ब्रिक लेयर सूखी ईंटों को बिछा देना है एक प्रॉपर फैशन में कुछ भी पटक नहीं देना है एक प्रॉपर फैशन में ईटों को जमा देना है सर उसमें क्या मोटार डाल दू थो थोड़ा सा नहीं डालना सर कॉन्क्रीट डाल अरे कुछ नहीं डालना है ड्राई ब्रिक लेयर बिछा देते हैं दो तीन लेयर बिछा देते हैं सिंपल सी बात है फाउंडेशन क्यों करते हैं सॉइल मैके पर्पज क्या है जो बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर के लोड को बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे क्या होता है सर स्ट्रेस कम हो जाते हैं सेम वही चीज यहां पे सॉलिंग कर रही है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपका सेफ्टी बढ़ा रही है <coughs> तो सूखी ईटो की लेयर को बिछा देते हैं बस दो या तीन लेयर और इस प्रकार के वर्क को हम सॉलिंग वर्क बोलते हैं अब जैसे मैंने आपको बोला कि दो तीन लेयर बिछाते हैं, मतलब ये बहुत गहरा नहीं होगा गहरा नहीं होगा शेलो होगा डेप्थ कम होती है और जो भी शेलो वर्क है ये मैंने आपको प्रिंसिपल जो सिद्धांत है मेजरमेंट यूनिट डिसाइड करने के उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था जो गहरा हो वो वॉल्यूमिनस बट जो कम गहरा हो उसको सरफेस की तरह ट्रीट करेंगे और वो एरियल वर्क में आएगा इसलिए सॉलिंग वर्क को ध्यान रखना किस में नापा जाएगा सॉलिंग वर्क को स्क्वायर मीटर में नापेंगे सॉलिंग वर्क कम करते हैं वेन दी फाउंडेशन सॉइल बी फाउंडेशन इज लूज और दी वेरी वीक और करते क्या है जस्ट ड्राइव रिक्लेयर कुछ दो तीन लेयर सूखी ईटों की बिछा देते हैं प्रॉपर फैशन में फेंक नहीं देना है बिछाना है प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं अब जो सॉलिंग वर्क है बच्चों ये भी दो प्रकार का होता है एक होता है हमारा टॉप या फ्लेट सॉलिंग और एक होता है साइड या एज सॉलिंग। तो ये सिर्फ डायमेंशन या दृश्य या पोजिशन को कहा जाता है जैसे मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ट्रेंच ट्रेंच मतलब गड्ढा जितने में हम सॉलिंग वर्क देंगे पूरा गड्ढा नहीं ये उतनी हाइट जितने में हम ईटे बिछाएंगे तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ ट्रेंच ये हो गया हमारा विथ ऑफ ट्रेंच एंड दिस इज अवर लेंथ ऑफ ट्रेंच ये हो गई हमारी ब्रिक ब्रिक के अंदर अगर देखें तो ये हो गया हमारा यहां पर लेंथ ऑफ द ब्रिक दिस इज हाइट ऑफ द ब्रिक एंड दिस इज दिथ ऑफ द ब्रिक तो यहां पर जब ये ब्रिक्स ऐसे गड्ढे में बिछाएंगे जितने हाइट में बिछाना है तो उसको ऐसे वैसे नहीं रखना जैसा मैंने दिखाया वैसे ही उसको बिछाना है फिर अगली एसी फिर अगली एसी फिर अगली एसी ऐसे सबसे पहले ये नीचे आएगी फिर एक और लेयर एसी फिर एक और लेयर बस ऐसे दो तीन लेयर बिछाते हैं क्लियर तो आपको यहां पर इसमें जो ये वाला दृश्य दिख रहा है जो ये फेस दिख रहा है दिख रहा है ये वाला फेस इस वाले फेस को हम बोलते हैं टॉप सॉलिंग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों टॉप सॉलिंग क्या बोलते हैं टॉप सॉलिंग और अगर आपको ये वाला दिख रहा यह वाला पोजीशन आपको दिख रही है तो प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है साइड सॉलिंग क्या बोलते हैं साइड सॉलिंग अब जो बच्चों साइड सॉलिंग होती है उसका एक और नाम होता है एज सॉलिंग और जो टॉप सॉलिंग होती है उसका एक और नाम होता है फ्लेट सॉलिंग क्लियर है तो टॉप का एक और नाम है फ्लेट और साइड कई बार इसमें बच्चों न्यूमेरिकल आ जाते हैं नंबर ऑफ ब्रिक बताओ साइड सॉलिंग में कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा तो देखो अगर इसमें आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है तो अगर आपने जितना बताया उसको ध्यान से समझा तो आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे साइड सॉलिंग में कितना ट्रेंच का एरिया आ रहा है ये आ रहा है एल इंटू एच एल इंटू एच और ब्रिक का कौन सा आ रहा है स्मॉल एल इंटू स्मॉल एच तो इससे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा साइड या एज में कितनी ब्रिक्स दिखेंगी और अगर टॉप और फ्लेट में निकालना है हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स तो ये हमारा सिंपली कितना हो जाएगा कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी अपॉन स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इतना क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं सॉलिंग समझ में कब करेंगे जरूरी नहीं हर बार करें जब भी करेंगे स्क्वायर मीटर में करेंगे दो तीन ईटे बिछाएंगे लेयर्स लेयर्स बिछाएंगे मोटार कॉन्क्रीट कुछ नहीं डालना है और दो प्रकार की होती है आगे बढ़ते हैं अब जब हमने गड्ढा कर लिया मिट्टी कमजोर है सॉलिंग वर्क दे दिया अब अगला क्या आएगा सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन तो जो फाउंडेशन है इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट डाला जाएगा अब जब सीमेंट कॉन्क्रीट करेंगे तो ये भी वॉल्यूमिनस वर्क है इसकी डेप्थ जो होती है फिक्स नहीं होती इसका लेंथ वेथ डेप्थ सब वेरी कर सकता है तो इसलिए इसको क्यूबिक मीटर में नापते हैं किस में नापेंगे क्यूबिक मीटर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और फिलिंग क्यूबिक मीटर सॉलिंग वर्क स्क्वायर मीटर जो सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क के फाउंडेशन में किस में नापेंगे क्यूबिक मीटर में इसकी जो डेप्थ होती है ये फिक्स्ड नहीं होती बट जनरली कुछ दो वैल्यूज इसमें स्पेसिफाइड हैं फिक्स्ड नहीं है बट है, मेंशन है या तो इसमें डेप्थ जनरली ये जनरल डेप्थ है मैं फिर बोल रहा हूं ये फिक्स्ड नहीं है मैं फिर बोल रहा हूं ये फिक्स्ड नहीं है कि आप बोलो सर ये तो स्क्वायर मीटर में आना चाहिए नहीं फिक्स नहीं है जनरली दो थिकनेस यूज होती है जनरल वैल्यू सामान्यतः बीस सेंटीमीटर या पैतालीस इसकी डेप्थ 20 सेंटीमीटर जब लेंगे तो ध्यान रखना जब थिकनेस कम है तो कॉन्क्रीट ग्रेड थोड़ा अच्छा वाला लेंगे एम प्रोपोर्शन कितना होता है 1:4:8 और जब 45 सेंटीमीटर लेंगे तो एम फाइव ग्रेड यूज करेंगे जब ज्यादा डेप्थ लिया तो कम वाला कॉन्क्रीट भी चलेगा ऐसे याद रखना ज्यादा में कम एम कम में ज्यादा और इसका प्रपोर्शन होता है एक पांच दस इतना इसमें याद रखना है ठीक है 20 सेंटीमीटर 45 20 में एम साढ़े सात पैतालीस में एम पांच प्रपोर्शन आपको पता है मतलब फाउंडेशन करने में हम जनरली जो एम और एम ही यूज करते हैं फाउंडेशन वर्क में अगला आता है नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अब आपको बताया था जो हमारा हो गया फाउंडेशन में, अब उसके ऊपर हम का चिनाई कार्य करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे।, पहले फुटिंग तक करेंगे। ग्राउंड लेवल तक आ जाएंगे। ये ग्राउंड देखो यहां तक करते करते ग्राउंड लेवल तक आ गए ग्राउंड लेवल तक आ गए इसके बाद थोड़ा सा ये हमने क्या उठा दिया यहां पर ये हो गया हमारा प्लिंथ ठीक है और जहां फाउंडेशन होगा उतना तो आए होंगे यहां तक तो ये पूरा ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर कहलाता है अच्छा सर ब्रिक वर्क तो फिर जैसे मान लो ये आपका प्लिंथ आ गया सर मान लो ये प्लिंथ लेवल है तो प्लिंथ लेवल के बाद इतने पूरे में मिट्टी भर देंगे यहां यहां तक और फिर फ्लोर आ जाएगा फिर इसके ऊपर भी तो सर यहां पर हम दीवार उठाएंगे वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर अच्छा मतलब सुपर अलग चलेगा और सब अलग चलेगा जैसे अर्थवर्क इन फिलिंग था एक्टली ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अलग मेजर करते हैं और ब्रिक वर्क इन सुपर अलग आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है क्या रीजन हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा बट फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा इसलिए मैं बता दूं यहां पर कि जो ब्रिक वर्क हमारे पास है जो आपका सुपर स्ट्रक्चर वाला है ये जनरली हम इसमें क्वालिटी का अंतर होता है इसमें एस्थेटिकनेस का बहुत ध्यान दिया जाता है तो ये हम सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास करेंगे और जो ब्रिक वर्ग इन सब स्ट्रक्चर है इसमें हम सेकंड क्लास ब्रिक या थर्ड क्लास ब्रिक या फोर्थ क्लास ब्रिक भी यूज कर सकते हैं तो क्वालिटी का अंतर है इसलिए उसको अलग मेजर करना है और इसको अलग मेजर करना है क्योंकि जो मटेरियल यूज करेंगे जो ब्रिक्स जो सीमेंट सेंड के प्रपोर्शन प्लास्टर के लिए ब्रिक मोटार ज्वाइंट के लिए वो दोनों में अलग अलग होगा इसलिए इनको अलग अलग नापा जाता है सिंपल सी बात है दोनों को अलग अलग नापेंगे पहली बात ये दोनों वॉल्यूमिनस वर्क है लेंथ विथ सब वेरी करेगी इसलिए क्यूबिक मीटर इसमें दो चीजें आ जाती है फुटिंग और प्लीन दोनों साथ में लेते हैं आपको बताया था ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर आर मेजर सेपरेटली इतना इसमें ध्यान रखना है क्लियर है एकदम सिंपल सी बात है अगला आते हैं अब है डैम प्रूफ कोर्स डैम मतलब गीला प्रूफ का मतलब है चेक करना रोकना और कोर्स का मतलब है यहां पर इस ये कोर्स जो है ये ए नहीं आएगा इसमें दिस इज इस कोर्स कोर्स का मतलब होता है इसमें लेयर तो अब क्या होता है जैसे आपको दिख रहा है ये हमने यहां तक इतना पूरा ये हमने ब्रिक वर्क कर दिया किसमें सब स्ट्रक्चर में कर दिया आ, सब स्ट्रक्चर में ये आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया ब्रिक वर्क इन सुपर ये हमारा क्या हो गया ब्रिक वर्क इन सब आपको अगर दिख रहा हो तो इसके बीच में आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी ऐसी लाइन एक लाइन दिख रही हो यहां पर ये यह, सीमेंटेड टाइप ये एक्चुअल में डीपीसी वर्क है ये इन दोनों के बीच में दिया जाता है क्योंकि आपकी जो नीचे सब स्ट्रक्चर वाली ब्रिक्स हैं

तो डेम प्रूफ कोर्स बहुत इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती इसकी लेंथ वेरी, वेरी कर सकती है विथ वेरी कर सकती है बट इसकी जो डेप्थ है या जो इसकी थिकनेस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बाय इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स्ड है और वो जनरल डेप्थ अगर नहीं पता हो तो आपको ढाई सेंटीमीटर ही मान के चलना है इसलिए ये इतना फेमस है कि इसको डीपीसी नहीं बोलते इसको ढाई सेंटीमीटर डीपीसी वर कहा जाता है इतना फेमस है कि बच्चे बच्चे जानते हैं कि डीपीसी ढाई सेंटीमीटर का होगा अब डीपीसी में दो डायमेंशन करेंगे इसको में नापते हैं। जब भी डीपीसी नापेंगे थिकनेस मेंशन नहीं करते वो अंडरस्टूड है नहीं पता है तो ढाई सेंटीमीटर लेना है अगली चीज अब डीपीसी तो पूरे जहां जहां आपका सुपर स्ट्रक्चर वॉल आएगी जहां जहां दीवार आएगी उसके नीचे दोगे बट फिर भी कुछ ऐसी जगह जहां पे आप नहीं दोगे कहा सिंपल सी बात है जहां भी दरवाजा आएगा दरवाजे की जो चौखट आएगी क्या वहां पे आप दोगे जैसे सपोज मान लो आप समझना ये ऐसा हो गया ये मान लो डोर हो गया यहां पे दरवाजा आ गया तो अब डीपीसी हम यहां भी देंगे पूरे में यहां भी देंगे पूरे में यहां भी देंगे पूरे में यहां भी देंगे बट इसमें तो हम खाली यहीं पर देंगे ना यहां तो दरवाजा आ रहा है तो क्या ऊपर वो पानी चढ़ जाएगा नहीं क्योंकि जहां दरवाजा होगा आप इमेजिन करना वहां तो टाइल्स आएगी ना और जहां टाइल्स आएगी वहां पे पानी ऊपर चढ़ सकता है क्या नहीं चढ़ सकता वहां तो वैसे ही सीमेंट कॉन्क्रीट आ जाएगा फ्लोरिंग का तो वहां देने की जरूरत नहीं है तो जो भी वरांडा होता है ओपन एरिया है दरवाजे की जो चौखट है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्स ऑफ डोर्स वहां पे नहीं देंगे तो डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड ए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट दी सिल्स ऑफ डोर्स और वरांडा या कोई भी ओपन स्पेस ए कॉरिडोर है और वहां पर दीवार वगैरह आ रही है तो उस जगह पे हम नहीं प्रोवाइड करेंगे ये बात ध्यान रखना अब डीपीसी की थिकनेस तो फिक्स्ड है बट कई बार डीपीसी दो प्रकार का भी देते हैं मोटार से भी देते हैं कंक्रीट से भी देते हैं मेनली जो ज्यादा फेमस है वो कॉन्क्रीट वाला है जब मोटार से देंगे तो दो सेंटीमीटर मोटाई लेते हैं और जब कॉन्क्रीट से लेंगे तो ढाई सेंटीमीटर वाला देते हैं टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जब कॉन्क्रीट देंगे तो सीमेंट सेंड एग्रीगेट का जो प्रपोशन है वो एक डेढ़ तीन लेंगे और जब मोटार वाला लेगा तो प्रपोर्शन वन इज टू तो या एक वन तो जनरली लिया जाता है मतलब मोटार है तो दो सेंटीमीटर और कॉन्क्रीट है तो ढाई सेंटीमीटर नहीं पता हो तो कॉन्क्रीट ही मतलब होता है एम पच्चीस और एक डेढ़ तीन का मतलब होता है एम ट्वेंटी मतलब डीपीसी मतलब जो है या तो वो एम ट्वेंटी से करते हैं एम ट्वेंटी फाइव आजकल एम ट्वेंटी फाइव यूज करते हैं डीपीसी के अंदर कहानी देना है

या आपकी ईटों का चूरा उनको फिलअप किया जाएगा तो उसको बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग ऑब्वियसली बात है लेंथ विद डेप्थ वेरी करेगी तो किस में नापेंगे क्यूबिक मीटर में नापेंगे सी बात है और इसमें जो स्पेस इस है प्लिंथ वॉल के बीच में उसको हम फिल करेंगे या तो ब्लास्ट मलबा डिसमेंटल्ड अर्थ या सुर्खी सुर्खी मतलब क्रस्ट ब्रिक्स ईटो का चूरा दो बच्चों ये था हमारा ठीक तो ये था हमारा आज का सेशन आई होप कि आपको ये वर्क समझ में है अभी कौन कौन से वर्क हमने पढ़े हमने पढ़ा सबसे पहले अर्थवर्क इन एस्केपेशन एंड फिलिंग दूसरा हमने पढ़ा यहां पर सॉलिंग वर्क अगला पढ़ा सीसी वर्क इन फाउंडेशन नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर देन हमने पढ़ा यहां पर डीपीसी वर्क एंड प्लिंथ फिलिंग अब इसका जो हमारा आगे का पार्ट है जिसमें हम दूसरे और वर्क पढ़ेंगे जैसे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर हनी कॉम ब्रिक वर्क हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल देन आ, ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्लोरिंग एंड रूफिंग प्लास्टरिंग ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे तो आई होप आपको सेशन समझ में आया हूं हर एक कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो रहे हूँ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए मैंने आपको टोटल छह सब्जेक्ट बता दिए हैं यहां पर ठीक है जो आपके अभी चल रहे तो अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और स्पेशल अटेंशन हमारी टीम के साथ तो सार्थक को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इसमें कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी वन ईयर की वैलिडिटी अगर आप सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं नॉट स्पेसिफिकली एस एस तो जो विजय बेच है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें भी ऑल इन वन टेस्ट सीरीज इसमें टोटल फाइव नंबर ऑफ टेस्ट है ये एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज सफिशियंट है वो टेस्ट सीरीज यहां पे आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में आप परेशान हैं तो उसका भी यहां पर एक ऐसा कोर्स है नॉन टेक वहां महापेक जिसमें सभी सब्जेक्ट्स प्रॉपर क्वेश्चंस प्रॉपर नोट्स ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है और अगला है एसएससी एस जेई टेस्ट सीरीज रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी यहां पर है जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज है फुल टेस्ट सीरीज है पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर इसका जो पीडीएफ है वो ए सी प्लस एप एंड वाई डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और रिमेनिंग जो हमारी क्लासेस हैं क्यूएससी की जो हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट अवेलेबल है वहाँ पर जाके उसको चेकआउट करें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर